हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आईपीयू के स्पॉट राउंड में अप्लाई किया होगा। जब स्टूडेंट्स कई सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता है, तो जब उसको अपनी प्रेफरेंस या कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो किसी और यूनिवर्सिटी से अपनी सीट छोड़ देता है, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है, या फिर वो सीट फिल ही नहीं होती हैं, उनके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो आईपीयू के एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एमबीए एंड इंजीनियरिंग जो बीटेक है, उनका जो स्पॉट राउंड है, उसका रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है। तो एक बार नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। तो इसके वेबसाइट पे जाते हैं, हम शेड्यूल नोटिसेस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम शेड्यूल नोटिस पे क्लिक करते हैं, वैसे ही बहुत सारे लिंक ओपन होंगे, और यहाँ पे हमको गिवन है डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्पॉट राउंड वन इन एमबीए एंड बीटेक। हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स ऑफ स्पॉट राउंड वन रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एमबीए एंड बीटेक, जिनके सीईटी कोड 101 एंड 131 है, इनके लिए बताया हुआ है, इट इज इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट द रिजल्ट्स ऑफ स्पॉट राउंड वन इन प्रोग्राम्स एमबीए एंड बीटेक विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 7th of August। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और कल जो है उनको पता लग जाएगा स्पॉट राउंड के थ्रू कि उनको एडमिशन मिला है या नहीं मिला है। चैनल पे बने रहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, और जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसे भी रेगुलर फॉलो करते रहिए, क्योंकि बहुत ही रेगुलरली इनके अपडेट्स आते हैं और बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है। तो आप कहीं पीछे ना रह जाएं, इसके लिए इसको ज़रूर फॉलो करते रहिए। कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछते रहिए। थैंक यू।